नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। यह देश का तेज़ी से बढ़ता हुआ यूट्यूब न्यूज़ चैनल है। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता हो या हमारे सूचनाएं अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज हम आपको बताएंगे जौनपुर लोकसभा व मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र के लिए 23 अप्रैल तक नामांकन की अंतिम तिथि है। इस दौरान स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट तैयार कर ली है विभिन्न पार्टियों में। भाजपा की तरफ से पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश लाल यादव निरहुआ के कार्यक्रम तय किए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष सुशील उपाध्याय के मुताबिक 29 अप्रैल को जलालपुर के बयाती कॉलेज में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कार्यक्रम तय हो गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 25 अप्रैल को शाहगंज के गजराज सिंह इंटर कॉलेज में कार्यक्रम तय है। तो 26 अप्रैल को थाना गद्दी में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, प्रदेश सहकारी मंत्री अनिल राजभर व आजमगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी भोजपुरी सिंह स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जौनपुर में जनसभा कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 मई के बीच टीडी कॉलेज के ग्राउंड में भाजपा कार्यकर्ताओं व आम जनता को संबोधित करेंगे व दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में, जौनपुर मछलीशहर लोकसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसके अलावा 7 मई को बसपा सुप्रीमो मायावती सिद्दीपुर में आके बसपा कार्यकर्ताओं व आम जनता को महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। इसके अलावा 29 अप्रैल को राहुल गांधी की जनसभा प्रस्तावित है। ऐसे में देखना यह है कि चुनावी गणित में कौन सफल होता है और जौनपुर और मछलीशहर लोकसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनके संसद के सर्वोच्च पंचायत में पहुंचता है। धन्यवाद।